कृष्ण भजन आपको सुनाते हैं। इस वक्त सूर्यास्त का समय है, गोधूली वेला इसको बोलते हैं। जब गायें जंगल में चारा चर के अपने घर को लौटती है तो वो जो धूल उड़ती है उसे गोधूली बोलते हैं। एक ऐसा वातावरण बनता है कि आदमी देखते ही रह जाता है, अब कहाँ देखने को मिलते हैं, ख्वाब ही रह गए। पहले हम खुद गाय को छोड़ने जाते थे सुबह, और शाम को वो दौड़ी दौड़ी लौट के आती थी, और कितनी फास्ट आती थी, आते ही हम चारा वगैरह उनके लिए। अरे वो क्या वक्त था, आज क्या हो गया है। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, अब दिखे ना दिखे प्रभु, बाकी हम कोशिश तो करते हैं। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, तो आहों का अपना असर देखना है। अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, तो आहों का अपना असर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, उबारा था जिस हाथ ने गिद्ध गज को, उसी हाथ का अब असर देखना है। उबारा था जिस हाथ ने गिद्ध गज को, उसी हाथ का अब असर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है। विदुर भीलनी के जो घर घूमने देखे, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है,
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। टपकते हैं दृग्य बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपने उल्फत में तरे देखना है। टपकते हैं दृग्य बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपने उल्फत में तरे देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अब भगवान को ही एक नज़र देखेंगे। देखते हैं आज जो गायें है उनकी क्या दशा हो रही है। एक गाय किस्मत लिखा के लाती है, बहुत महंगी होती है। एक गाय सड़क के ऊपर पॉलीथीन की थैलियाँ खाती है, किसी का ध्यान नहीं। आज गोधन जो एक आयुर्वेद का खजाना है, आज सड़कों के ऊपर बैठा बैठा प्लास्टिक की थैलियों की जुगाली करता है। ऐसा समय, बहुत गलत समय, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी जानवर हो उसे भी भोजन करने का, खाने का अधिकार है। चारा उसको कोई नहीं डाले तो सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। कोई भूखा न सोए, लेकिन हमारा गोधन आज भूखा ही सोता है। जुगाली लेता है लेकिन प्लास्टिक की थैलियों की लेता है। हे भगवान कृष्ण, अपने इस गोधन को क्यों नहीं संभालते? हे प्रभु, इनको संभालो। आपकी जय हो।